हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, जो कि ईसी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर फर्स्ट यूनिट के आईएमपी की, तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट में आपका मेनली सिग्नल एंड सिस्टम ही इंक्लूड है, जिसमें से आपका व्हाट इज सिग्नल और व्हाट इज सिस्टम पूछ लेता है, साथ के साथ इसके क्लासिफिकेशंस पूछ लेता है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आपको सामने दिख रहा होगा सिग्नल्स, ये होता क्या है इसको एक्सप्लेन कर लो। इसके बाद आपका कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम, पीरियडिक एंड अपीरियडिक एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ये आपका 7 नंबर में पूछ सकता है या फिर 14 नंबर में पूछ सकता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ आपको फंक्शनलिटी पूछ लेता है, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा। डिफाइन फॉलोइंग, पहला है कॉजिलिटी, स्टेबिलिटी, लीनियरिटी, होमोजेनिटी, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, मतलब कि जो आपका लास्ट में 8th नंबर पर शॉर्ट नोट्स में दिया रहता है उसमें कभी कभी चांसेस रहता है आने का, नहीं तो फिर मेनली क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। इसके बाद दोस्तों, आपको थर्ड टॉपिक दिख रहा होगा सिस्टम। तो दोस्तों, सिस्टम में भी ठीक ऐसा ही पूछता है, व्हाट इज सिस्टम एक्सप्लेन, साथ के साथ इसके क्लासिफिकेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, ये 3 से 4 क्वेश्चंस सिस्टम से पूछे जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट यूनिट से कुछ टॉपिक जो कि शॉर्ट नोट्स में रेगुलरली आते रहते हैं वो आपको सामने दिख रहे होंगे। टाइम इनवेरिएंट, शिफ्ट इनवेरिएंस, रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, या फिर बोल सकते हैं आप सिस्टम, कंपेयर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट LTI सिस्टम। तो दोस्तों, ये आपके शॉर्ट नोट्स में रेगुलरली आते रहे हैं, तो इनको भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट के IMP टॉपिक तैयार हुए, चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। दोस्तों, सेकेंड यूनिट में सबसे पहले आप थर्ड टॉपिक जो आपको दिख रहा है 3rd नंबर पर LTI सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करो, साथ के साथ इसमें पूछता है आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ DT LTI सिस्टम एंड कॉजल सिग्नल रिस्पॉन्स टू DT LTI सिस्टम। दोस्तों, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला तो भाई रेगुलरली आता ही रहता है, साथ के साथ LTI सिस्टम को एक्सप्लेन करो, और ये जो इसी में थर्ड में दिया हुआ है कॉजल सिग्नल रिस्पॉन्स टू DT LTI सिस्टम, ये भी आपका रेगुलरली पूछता है। तो सेकेंड यूनिट से सबसे पहले आपको ये 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद आपको करना है कॉन्वोल्यूशन, इसको एक्सप्लेन करो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सडनली नहीं पूछता है, आपको जो याद हो वो लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका रियलाइजेशन, मेथड्स ऑफ रियलाइजेशन, ये भी रेगुलरली पूछता है, पैरेलल फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन, ये भी आपका पूछता रहा है। तो दोस्तों, ये 3 टॉपिक आपके सुपर इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट से, जिसमें थर्ड वाला तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, बात करें अगर शॉर्ट नोट्स की, तो अगर आप शॉर्ट नोट को स्किप करना चाहें तो ये थर्ड वाला कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट, ये आपका रेगुलरली आता रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको अगर स्किप करना है तो कर सकते हैं, वैसे IMP है, सुपर IMP नहीं। दोस्तों, सेकंड यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट IMP टॉपिक्स क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। दोस्तों, थर्ड यूनिट में आपका मेनली फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म और ROC इंक्लूड है, जिसमें से आपका इन तीनों की ही प्रॉपर्टीज़ रेगुलरली पूछता रहता है, इनको एक्सप्लेन करिए, साथ के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करिए। अब प्रॉपर्टीज़ कभी कभी सडनली पूछ लेता है, तो आपको 3 से 4 प्रॉपर्टी ऐसी करनी है कि अगर कोई भी आ जाए तो आप वो ही लिख के आ जाओ, तो बाकायदा आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंटीग्रेटर प्रॉपर्टी हो गई, डिफरेंटिएटर प्रॉपर्टी हो गई, साथ के साथ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई, ये दोस्तों जो सुपर इंपॉर्टेंट है मैंने आपको 3 बता दिए हैं, बाकी आपको जो इजी लगे वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती है, सडनली बहुत ही कम पूछता है, नहीं तो आपको जो आए वो आप लिख कर आ सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म और ROC की आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म, इसके बीच आपको रिलेशन बताना पड़ता है, साथ के साथ एक इक्वेशन टाइप का आंसर ड्राइव करना पड़ता है, ठीक ऐसा ही आपका सेकंड में है, जेड ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म के बीच रिलेशन बताइए। दोस्तों, थर्ड टॉपिक है हमारा जो वो है शॉर्ट नोट में, डिफाइन ROC एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो कि आपको फर्स्ट टॉपिक में मैंने प्रॉपर्टी बता दी है कि प्रॉपर्टी आपको करना है, साथ के साथ आपको यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म शॉर्ट नोट्स में कर लेना है। दोस्तों, थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ, चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर 4th से सबसे पहले आप करिएगा शॉर्ट नोट्स में जो आपको फर्स्ट दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ DTFT,
ये आपका कंफर्म नहीं है कि शॉर्ट ही में आएगा, हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको इसको प्रायोरिटी देना है और सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करना है। चाहे आप शॉर्ट में करो या फिर लॉन्ग में करो, अच्छा रहेगा अगर आप लॉन्ग में करते हैं तो। इसके बाद आपको फर्स्ट में दिख रहा है एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज। इसकी आपको सडनली एप्लीकेशन या फिर प्रॉपर्टीज कोई भी पूछ सकता है किसी के भी तीनों में से, तो आपको तीनों के एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज कर लेनी है। हो सकता है तो कुछ इसकी डिटेल भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसी के साथ आपका शॉर्ट नोट में जो आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है इवन साइमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ DFT, ये दोस्तों रेगुलरली नहीं पूछता है, अगर आपको स्क्रिप्ट करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों फोर्थ यूनिट कम्प्लीट हुआ, चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। दोस्तों फिफ्थ यूनिट में आपसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा आपको ये जो सामने दिख रहे हैं क्वेश्चन यही का यही पूछ लेता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम सैंपल्ड सिग्नल। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप इसी को करिएगा। इसके बाद सेकंड में आपको दिख रहा होगा स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये आपका शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आ सकता है। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट दिए हैं मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपका रेगुलरली शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आता रहा है। थर्ड में आपको दिख रहा होगा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड इट्स रोल, इसका रोल बताओ और इसको एक्सप्लेन करो ऐसा। इसके बाद आपका शॉर्ट नोट में आता है जो आपको सेकंड में ही दिया हुआ है स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। साथ के साथ शॉर्ट में आप सैम्पलिंग थ्योरम भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहता है, आता रहता है तो आपसे बन ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक के फिफ्थ यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुए, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक के ऑल IMP टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के IMP पर बनाएं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।